वो देखिए वो चल रहा है लंगर, एकदम क्राउड देखिए, मतलब कितना आया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों मैं हर्षद व्लॉग्स आप सबका स्वागत कर रहा हूँ इस नए व्लॉग में। सो गाइस, आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 AM तक, क्योंकि आज आप सबसे मिलकर भी अच्छा लग रहा है मुझे तो आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़ साइड अपने पापा के साथ, कुछ काम से जाना है मैं वहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको वहीं का ब्लॉग दिखाएंगे कि मैं कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग, क्या क्या काम है वहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का वहीं का ब्लॉग। तो वैसे मैं जाऊँगा स्कूटी से, पार्किंग तक देखते हैं कैसे जाते हैं, बहुत सारी गाड़ी या बाइक से, तो बाबा जी पार्किंग में ही वेट कर रहे हैं हमारा, तो वहीं पर जाएंगे उसी का, वहीं पहुँच के वापस मिलेंगे। हम आ गए फाइनली अपने घर के बाहर, तो स्कूटी जा रहे हैं तो हेलमेट भी ले लिया साथ में सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है सबसे पहले, तो गाड़ी चलानी तो रोड पे सेफ्टी से ही चलाएंगे, रोड नहीं तोड़ेंगे। तो चलिए वहीं पहुँच के आपसे मिलेगा पार्किंग में। तो भाई हम पहुँच गए फाइनली पार्किंग, तो यहाँ से मैं और पापा जी साथ जाएंगे इकट्ठे, तो अभी वेट कर रहा हूँ पापा का, पापा आ जाए फिर हम इकट्ठे निकलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमें भरवाना है पेट्रोल, पेट्रोल की गाड़ी रिजर्व पे आ गई है, तो पहले तो पेट्रोल भरवाते हैं पहले। वही तो भाई लाइन भी देखिए, मतलब लाइन कितनी लंबी है यहाँ पे, लाइन इतनी लंबी लगी हुई है इस पेट्रोल पे, तो वहाँ पे उधर वाली गाड़ी है तो उधर चलते हैं। तो इसमें ये हो गया पेट्रोल भरना शुरू, पेट्रोल तो अभी थोड़ी देर में पेट्रोल भरवा के फिर आप मिलते हैं। सो भाई तब उन्हें भरवा लिया पेट्रोल फाइनली, तो अब निकल पड़े दोबारा डेस्टिनेशन के लिए आगे अपनी, तो अब चलते हैं आगे धीरे धीरे करके। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मैं आना था, वैसे अभी भी लंगर ही करवाया था, तो इसलिए तो अभी आपको दिखा दो एक बार लंगर कैसे चल रहा है। वो देखिए वो चल रहा है लंगर, एकदम क्राउड देखिए, मतलब कितना आया हुआ है यहाँ पे खाने के लिए। ये यार वहाँ देखिए सब लोग बांट रहे हैं उधर सारे भाई वगैरह अपने, तो वैसे भी मैं भी एक बार बांट लिया थोड़ा सा लंगर, तो फिर आपसे मिलता हूँ। वैसे ये देखिए मतलब कैसे सब लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं हमारे साथ, उधर मतलब दाल है, चावल है, हलवा पूड़ी सब है, तो ये पित्तल वगैरह दे रहे, तो कोई रेटे वगैरह, वहाँ देखिए क्राउड कितना आया हुआ है। सुबह हो गई हमारी फाइनली लंगर सेवा, तो अब हम जा रहे हैं घर, तो घर चलते हैं, घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। सो गाइस हो गई हमारी फाइनली लंगर सेवा, तो अब हम जा रहे हैं घर, तो घर चलते हैं, घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम आ गए फाइनली घर, इतना और इतना मतलब रास्ते में थोड़ा जाम भी मिला, इस वजह से बहुत हल्का करके हो गई कमर का बुक्का, हो गया मेरा कमर दुख गई है बैठे बैठे स्कूटी पे। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा लंगर बांटने का, क्योंकि हर साल हम मतलब कभी भी लंगर वहाँ करवाते ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लंगर तो हर वक्त चलता ही गाइस, क्योंकि किसी को कुछ गरीब काम चलता है, तो हमें किसी को गरीबों को भी कुछ खिलाना चाहिए, लोगों को भी वो खिलाना चाहिए कुछ, क्योंकि इससे पुण्य का काम भी ये होता है। सो आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। सत श्री अकाल जी, चंगा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस ब्लॉग को।